अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि SNB अलाली मोबाइल एप्लीकेशन से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में बेनिफिशरी कैसे ऐड करते हैं। इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको SNB क्विक पे एप्लीकेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ देखिए क्विक पे का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखिए सबसे फर्स्ट में क्विक पे ट्रांसफ़र शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आप बेनिफिशियरी पहले ऐड करके रखे हुए होंगे वो यहाँ शो करने लगेगा। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे नीचे वाले पर हमको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ अमाउंट डालना है, सऊदी रियाल में डालना है तो सऊदी रियाल रहने दीजिएगा, अगर इंडियन रुपीज़ में डालना है तो INR का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंडियन अमाउंट में यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे मैं 40,000 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो 40,000 रुपये यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए पर्पस पर क्लिक करना है और ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ अमाउंट आपका शो होगा और उसके बाद ट्रांसफ़र फी, वैट और नेट अमाउंट जो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा यहाँ देख सकते हैं 2,028 रियाल, और नेट अमाउंट जो आपके अकाउंट में डिलीवर होगा, ट्रांसफ़र होगा 40,000 रुपये, वो यहाँ शो कर रहा है। डिलीवरी टाइप डी डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, नेशनलिटी यहाँ शो करेगा इंडियन, और ट्रांसफ़र पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र वो आपका शो करने लगेगा। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपको शो होगा, और जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बैंक का नेम शो होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर शो होगा, जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर शो करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ देर में आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा अकाउंट से पैसा डिडक्ट होने का। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया, हमारे अकाउंट से 2,028 रियाल डिडक्ट हो चुका है और ट्रांसफ़र ये हो चुका। उसके बाद यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देना है और इसको फिनिश कर लेना। आपको यहाँ से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं ट्रांसफ़र का। तो इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।